एक बार प्रयोग में आने वाली पॉलिथीन के विरुद्ध एडीएम वित्त व राजस्व ने अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिसर के दो भागों में को पॉलिथीन के कचरे से मुक्त किया गया। इस दौरान लगभग एक क्विंटल से ज्यादा पॉलिथीन का कचरा इकट्ठा किया गया। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान में प्रातःकाल भ्रमण के लिए आने वाले लोगों ने सहयोग किया है। शनिवार को पुनः पॉलिथीन के कचरे को जन सहयोग से साफ किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, सर यूनिवर्सिटी में कुछ अभियान चला गया सफाई का या प्लास्टिक मुक्त जोन बनाने का, क्या है? एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को लोग ना प्रयोग करें और यथासंभव जो कहीं पर बिखरा हुआ है उसे एकत्र करके संबंधित नगर निगम या नगर पंचायत को सुपुर्द कर दें। ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से चल रहा है और 2 अक्टूबर को एक बड़ा प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान चला था। उसी कड़ी में हम लोगों ने ये सोचा कि हम यूनिवर्सिटी एक ऐसा कैंपस है जहाँ छात्र पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, इस कैंपस को भी जन सहयोग से, आम लोगों के सहयोग से एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक से मुक्त किया जाए। तो आज हम लोगों ने सुबह यह अभियान शुरू किया है और हमारा लक्ष्य है कि 22 तारीख तक हम यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक से मुक्त कर देंगे। सर,